हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फाइव। चैप्टर फाइव क्या है यहाँ पे? शब्द भंडार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है। पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अश्व शब्द के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में अनुपयुक्त शब्द बताइए, मतलब कि इसमें से कौन सा गलत है। तो ये है आपका तरंग, घोटक है और घोड़ा। इन सभी का मतलब क्या होता है? अश्व घोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर तरंग नहीं होता, ये होगा आपका तुरंग। तुरंग मतलब भी क्या होता है? आपका घोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर टू, सेवक शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का जोड़ा छांटिए। तो सेवक शब्द के लिए क्या होता है? सेवक का पर्यायवाची क्या होगा? अनुचर और दास। तो अनुचर और दास का मतलब क्या होता है? सेवक। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गज गज शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए गज का मतलब क्या होता है? हाथी होता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में लिखा है नहीं। तो यहाँ पर जो दंत है, दंत नहीं होता है हाथी का पर्यायवाची। बाकी हस्ती, हाथ और कुंजर, ये तीनों का मतलब क्या होता है? हाथी होता है, गज होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, पुत्र के लिए निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्दों का जोड़ा है। तो पर्यायवाची शब्दों का जोड़ा है वो है आपका तनय और शुत। तनय और शुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर फाइव, कंपनी में अस्थायी रूप से काम करने वालों को रूप में तैनाती दी गई। तो क्या हो गया यहाँ पे? विलोम शब्द लिखना है, तो अस्थाई का क्या होगा? अस्थाई। क्या होगा? अस्थाई। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर खा, क्योंकि अस्थाई का हमें क्या करना है? अपोजिट यानी कि उल्टा विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत देश अनेकता में प्रतीक है। तो अनेकता में क्या पूछा है? विलोम शब्द अनेकता का क्या होगा? इसका विलोम आपका होता है नेकता, समता। और देखिए अनेकता का क्या होगा? एकता होगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ग, एकता। अगला है क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन नंबर क्या है? सेवन नंबर है, निम्नलिखित में से अपेक्षा के लिए विलोम शब्द है। तो अपेक्षा जो शब्द है, अपेक्षा का विलोम क्या होता है? अपेक्षा का होता है उपेक्षा। क्या होता है? उपेक्षा। अगला है क्वेश्चन नंबर एट, जीवन तो जीवन की वास्तविकता है, विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो जीवन का उल्टा क्या होगा? तो जीवन का उल्टा होता है मरण, जीवन का मरण। अगला सवाल है, हाथ से लिखा गया, तो हाथ से जो चीज़ लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द का चयन करें। तो हाथ से जो चीज़ लिखा जाता है उसे हम कहते हैं हस्तलिखित। क्या लिखी, क्या कहते हैं? हस्तलिखित, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर टेन, पूरे परिवार के साथ, तो पूरे परिवार के साथ क्या क्वेश्चन कह रहा है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द कौन सा होगा। तो पूरे परिवार के साथ को हम क्या कहते हैं? सपरिवार। क्या कहते हैं? सपरिवार, ऑप्शन नंबर घ। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, ताजमहल को देखने योग्य स्थल है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो देखने योग्य को क्या कहते हैं? देखने योग्य को हम कहते हैं दर्शनीय। क्या कहते हैं? दर्शनीय। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कृतघ्न के लिए वाक्यांश होगा। तो कृतघ्न के लिए वाक्यांश क्या होगा? जो किए गए उपकार को ना मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो, जो उपकार करता हो, जो उपकार ना करता हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, जो किए गए उपकार को ना मानता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सारथी द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण कर्ण को डैश बुलाया गया, रिक्त स्थान पे पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो सारथी के द्वारा जिसका पालन पोषण किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सूत। क्या कहते हैं? सूत। कर्ण महाभारत से रिलेटेड हैं। देखिए कर्ण के नाम पे एक राजा, हरियाणा का जो जिला है करनाल, करनाल इन्हीं के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी का नई दिल्ली में हुआ, निम्न स्थान से उपयुक्त शब्द क्या होता है। गांधी जी का क्या हुआ? निधन हुआ। कहाँ पे हुआ? निधन का मतलब जब उनकी हत्या की गई, निधन हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे हुई? दिल्ली में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या है, अतिथियों के घर में आते ही मैंने उन्हें किया,
रिक्त स्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो जब कोई घर पे आपके मेहमान आते हैं तब उसे क्या कहते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का प्रणाम। अगला है 16 नंबर, निम्न में से कौन से शब्दों का युग्म श्रुति सम्बन्धार्थक नहीं है। श्रुति सम्बन्ध मतलब पढ़ने में एक जैसा लगे, ठीक है, लेकिन जो शब्द हैं उनके अर्थ अलग अलग हों। तो प्रसाद प्रसाद, शोक शोक, साक साक और साला। तो देखिए पढ़ने में दोनों अलग लग रहे हैं, शाल और साला। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, सोना धतूरा गेहूँ। सोना धतूरा गेहूँ में क्या है, दिए गए अनेक अर्थों के लिए उचित एक शब्द कौन सा होगा। सोना धतूरा को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कनक। क्या होगा, कनक। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 17 का, तो वो तो हो जाएगा दोस्तों क्या, कनक। क्या हो जाएगा, कनक। क्वेश्चन नंबर 18, घट के लिए अनेकार्थी शब्द युग्म क्या होगा। तो घट के लिए हम क्या क्या कहते हैं, घट का मतलब क्या होता है दोस्तों, घड़ा भी होता है और कम भी होता है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विष्णु सिंह बंदर। तो विष्णु सिंह बंदर अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो ये शब्द है आपका हरि। हरि का मतलब विष्णु भी होते हैं, हरि का मतलब सिंह भी होते हैं, और हरि का मतलब बंदर भी होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, जड़ के लिए अनेकार्थी शब्दों का अनुचित विकल्प। अनुचित का मतलब जो गड़बड़ है, जो गलत है। तो अनुचित का मतलब देखिए, अनुचित शब्द का मतलब समझिए कि इसमें कौन सा गलत है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चयन। जड़ का मतलब होता है अचेतन, मूर्ख, मूल, लेकिन आपका जो चयन है ये जड़ का अर्थ नहीं है। अब मेधावी खंड पे आते हैं, आनंद से वह भाव विभोर हो उठा, दिए गए उपयुक्त रेखांकित शब्दों में पर्यायवाची शब्द। तो आनंद का पर्यायवाची क्या क्या है, तो आनंद का पर्यायवाची हो है उल्लास और खुशी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 22, जिसे प्राप्त करना सरल ना हो। तो जिसे प्राप्त करना सरल ना हो, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द कौन सा है, तो ये आपका दुर्लभ। तो इसका आंसर हो जाएगा खा, दुर्लभ। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, अंबर के लिए अनेकार्थी शब्दों के अनुचित विकल्प को चुनिए। अंबर का क्या होता है, अंबर के लिए जो अनेकार्थी शब्द है वो आपका क्या है, धरा। क्या है, धरा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, सत्य के लिए आग्रह करना। तो सत्य के लिए आग्रह जो करता है उसे सत्याग्रह कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना हो, जन्म हो, उसे अजाशत्रु कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो किए गए उपकार को ना मानता हो, देखिए जो मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। तो इसमें क्या क्या सही है, आ बा सात सही है। तो इसका आंसर बनेगा क्या, घा नंबर, आ बा सात तीनों सही हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे की तालिका में सही विकल्प चुनिए। तो देखिए क्या है, धन व्याख्या प्रयोजन, इसको हम किसे, ये क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं, तो हो जाएगा सेकंड नंबर। अरविंद, कमल, नीरज, पंकज, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, इन सभी का मतलब कमल होता है, तो हो जाएगा तीन नंबर। अनुराग, विराग, योग, वियोग, लाभ, हानि, ये सब क्या विलोम शब्द हैं, तो हो जाएगा एक नंबर, 231। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 231, ऑप्शन नंबर का 231। तो दोस्त यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये है दोस्तों मेरे QR कोड, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्कैन करके पे कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।